फिजिक्स पोर्शन के इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा नाम के चैप्टर से 50 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। हर क्वेश्चन के चार आंसर दिए गए हैं। चार आंसर में से कोई एक आंसर सही होगा, वही सही आंसर आपको बताना है, करेक्ट आंसर बताना है, तुक्का नहीं मारना है, पढ़कर बोलना है, समझकर बोलना है। और अगर समझ में ना आए तो वीडियो इसी चैप्टर से संबंधित वीडियो बनाया गया है, वीडियो अपलोड किया गया, वीडियो को देख लीजिए प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक करेंट मैग्नेटिज्म पर सारे चैप्टर्स पर सारे टॉपिक पर वीडियो बनाया गया है, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद से आप इसका आंसर देने लायक हो जाएंगे, आप आंसर दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। आप लोग तैयार हैं तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि ए उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी उनके परमाणु हल्के होते हैं, सी उनमें गलनांक ऊंचा होता है, और डी उपरोक्त सभी। क्या आंसर सही है? फटाफट बोलो क्या आंसर सही है। पहला का आंसर बोलो, कौन सा आंसर सही है? ए आंसर सही है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही आंसर, करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? ए तांबा, बी लोहा, सी एल्युमिनियम, डी चांदी। करेक्ट आंसर बोलिए, करेक्ट आंसर फटाफट बोलो। आंसर टू का कौन सा आंसर सही होगा? टू का डी आंसर सही होगा, चांदी। चांदी सर्वोत्तम चालक है, करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीन पर। अतिचालक का लक्षण है ए उच्च पारगम्यता, बी निम्न पारगम्यता, सी शून्य पारगम्यता, और डी अनंत पारगम्यता। कौन सा उत्तर सही होगा? अतिचालकता का क्या लक्षण है? करेक्ट आंसर बोलिए, फटाफट बोलो। ए आंसर सही है, कोई बोल रहा बी आंसर सही है, गलत है, बी आंसर गलत है, ए आंसर सही है, करेक्ट आंसर ए है, उच्च पारगम्यता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक नहीं है बताना है। ए जर्मेनियम, बी सिलिकॉन, सी सेलेनियम, और डी आर्सेनिक। इसमें से कौन सा अर्धचालक नहीं है? फटाफट बोलो, करेक्ट आंसर बोलो। फोर्थ का डी आंसर सही है, आर्सेनिक करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर फाइव पर। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन विशेष परिस्थितियां जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, ये कहलाते हैं। ए सुचालक पदार्थ, बी कुचालक पदार्थ, सी अचालक पदार्थ, और डी अर्धचालक पदार्थ। कौन सा उत्तर सही होगा? फटाफट बोलो यार इसका उत्तर बोलो फटाफट आंसर बोलो। कौन सा उत्तर सही होगा? ए बी सी डी में से कौन सा उत्तर सही होगा? फिफ्थ का आंसर बोलो, फिफ्थ का डी आंसर सही होगा, अर्धचालक पदार्थ। बहुत अच्छा अर्धचालक पदार्थ। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आते हैं। प्रतिरोध का मात्रक है ए एम्पियर, बी कूलॉम, सी हेनरी, डी ओम। कौन सा उत्तर सही होगा? फटाफट बोलो यार, फटाफट, गंवार हो क्या यार, पागल हो क्या? कूलॉम आंसर गलत है। सही आंसर बोलो। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? डी ओम है, ओम, करेक्ट आंसर ओम है। पढ़ते लोग नहीं। सेवंथ का आंसर, घरों में लगे पंखे, बल्ब लगे आदि लगे होते हैं, ए श्रेणी क्रम में, बी मिश्रित क्रम में, सी समांतर क्रम में, और डी किसी भी क्रम में नहीं। कौन सा आंसर सही होगा? बल्ब पंखे जो लगे होते हैं वो किस श्रेणी में होते हैं? सही आंसर बोलिए, फटाफट बोलो, क्या आंसर सही होगा? सी आंसर, समांतर क्रम में, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है ए कूलॉम का, बी फैराडे का नियम, सी जूल का नियम, और डी ओम का नियम। किसका नियम है ये? फटाफट बोलो यार, पढ़े होगे, वीडियो देखे होगे तो आंसर बता सकते हो, ये किसका नियम है?
ओम का नियम, डी ओम का नियम, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ओम का नियम। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पर, किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध ए आधा रह जाएगा, बी दुगुना हो जाएगा, सी एक चौथाई रह जाएगा और डी 16 गुना हो जाएगा, कौन सा आंसर सही होगा? फटाफट बोलो, फटाफट फटाफट बोलो, कौन सा आंसर सही होगा? नाइन्थ का आंसर बोलो, डी आंसर सही होगा, 16 गुना हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर, 16 गुना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ए प्रतिरोध को, बी केवल धारा को, सी केवल वोल्टता को, डी धारा और वोल्टता दोनों को, कौन सा आंसर सही होगा? फटाफट बोलो, फटाफट 10 का आंसर बोलो, कौन सा आंसर सही होगा? डी आंसर, धारा और वोल्टता दोनों को, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से निकाल क्यों दी जाती है? बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? ए आंसर, टंगस्टन तंत्र के उपचयन को रोकने के लिए, बी बल्ब के फूट जाने से रोकने के लिए, सी अवशोषण के कारण प्रकाश की हानि को रोकने के लिए और डी उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन सा आंसर सही होगा? फटाफट बोलो, फटाफट 11th का ए आंसर सही है, ए आंसर, कौन बोल रहा है? बी आंसर सही है, बी आंसर टोटली गलत है, ए आंसर सही है, ए आंसर, टंगस्टन तंत्र के उपचयन को रोकने के लिए, करेक्ट आंसर है। 12 क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरेसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि ए उसकी रोशनी देने वाली सतह बड़ी होती है, बी वोल्टता की घट बढ़ का उस पर असर नहीं होता है, सी ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और डी रोशनी आंखों के लिए हानिकारक नहीं होती, कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट बोलो, फटाफट 12 का आंसर कौन सा होगा सही? सी उत्तर सही है, ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, विद्युत ऊर्जा पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित हो जाए, सही आंसर, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, भाई वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, CFL और LED लैंप में क्या अंतर है? ए प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारोवाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का बना होता है, बी है CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है, सी LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है और डी वन या तीन विकल्प, या तो वन विकल्प से या तीन विकल्प से, कौन सा उत्तर सही? फटाफट बोलो 13 का कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? फटाफट बोलो, डी आंसर सही है, एक या तीन। एक क्वेश्चन नंबर 14 पर, नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि ए इसके तार खींचे जा सकते हैं, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, सी लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता है और डी है बी और सी दोनों, कौन सा उत्तर सही होगा? 14 का आंसर बोलो, 14 का आंसर फटाफट बोलो यार, फटाफट फटाफट बोलो, डी आंसर सही है, बी और सी दोनों, बी का मतलब इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है और सी का मतलब लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता, ये दोनों सही है, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, डी ऑप्शन सही है, बी और सी दोनों होगा। 15 में, ट्यूबलाइट में वेव ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? ट्यूब लाइट में वेव ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? ए 30-40%, बी 40-50%, सी 50-60% और डी 60-70%, कौन सा उत्तर सही होगा? 15 का आंसर बोलो, 15 का आंसर बोलो, 15 का आंसर, कौन सा आंसर सही होगा? डी 60-70%, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 16 पर, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नमत होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है किसमें? फर्स्ट ए इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा, बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी श्वसन द्वारा और डी उत्सेदन द्वारा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट बोलो, फटाफट, प्रकाश संश्लेषण द्वारा,
गंवार हो क्या यार, बेवकूफ कहीं के। सही आंसर बोलो, क्या आंसर सही? गलत है आंसर, प्रकाश द्वारा नहीं होता है। ये आंसर सही है, ये ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। आते क्वेश्चन नंबर 17 पर। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है, ए कैल्शियम की, सी कार्बन की, सी सिलिकॉन की और डी जिरकॉन की। किसका बना होता है, किसका बना होता है चिप, चिप किसका बना होता है? फटाफट बोलो फटाफट। 17 का आंसर सी सिलिकॉन का। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा। प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, ए इन्वर्टर, बी रेक्टिफायर, सी ट्रांसफार्मर, डी ट्रांसमीटर। करेक्ट आंसर बोलो, सोच के बोलो, तुक्का नहीं बोलो। कुछ बेवकूफ ऐसे हैं जो वैसे बोल दे रहे हैं बिना सोचे समझे। वीडियो देखिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं पहले वीडियो देख लीजिए, इस चैप्टर से संबंधित वीडियो बनाया गया है, वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद से आप इसका आंसर बता पाओगे, नहीं तो ऐसे ही तुक्का इधर उधर का आंसर बोलोगे। करेक्ट आंसर बोलो, कौन सा आंसर सही होगा? 18 का, 18 का बी आंसर सही होगा, रेक्टिफायर। करेक्ट आंसर है रेक्टिफायर, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, ए एसी को डीसी बदलने में, बी डीसी को एसी में बदलने में, सी डीसी वोल्टेज को अपचयन करने में और डी एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयुक्त होते हैं? फटाफट बोलो यार फटाफट। डी आंसर, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, मतलब एसी वोल्टेज का मतलब उपचयन और अपचयन मतलब एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए। क्या एसी वोल्टेज को बढ़ाया भी जाता है, एसी वोल्टेज को घटाया भी जाता है ट्रांसफार्मर के द्वारा? ये करेक्ट आंसर है डी आंसर सही है, करेक्ट आंसर है डी। आते क्वेश्चन नंबर 20 पर। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है, पहला है सोडियम ऑक्साइड, बी सोडियम वाष्प तथा नियोन, सी पारा वाष्प तथा आर्गन, डी मर्क्यूरी का ऑक्साइड तथा नियोन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट बोलो फटाफट, कौन सा आंसर सही होगा? सी, सी पारा वाष्प तथा आर्गन। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, ए आधार सिरे से, बी सजीव सिरे से, सी उदासीन सिरे से और डी किसी भी सिरे से। करेक्ट आंसर बोलो, करेक्ट आंसर 21 का, ए आंसर आधार सिरे से। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। एक मकान में दो बल्ब लगे हैं, उसमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, दो बल्ब लगाए, एक बल्ब कम प्रकाश देता है, दूसरा बल्ब अधिक प्रकाश देता है, इसमें से कौन सा कथन सही है? ए प्रकाश की दीप्त रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है, बी दोनों बल्ब में रेजिस्टेंस समान है, सी अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, डी है कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। कौन सा ऑप्शन सही, कौन सा आंसर उचित है? सही आंसर बोलो फटाफट बोलो। एक बल्ब में दो एक कमरे एक मकान में दो बल्ब लगे, एक अधिक प्रकाश देता है कम प्रकाश देता है, तो कौन सा इसमें से कथन सही है? फटाफट बोलो 22 का, 22 का आंसर बोलो, 22 बोलो बोलो जल्दी बोलो 22, कौन सा आंसर सही होगा? सी अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। एक किलोवाट घंटा का मान होता है, ए 3.6 × 10⁶ जूल, बी 3.6 × 10³ जूल, सी 10 जूल और डी यह भी 10 जूल दिया, ये गलत दिया है, कुछ और होना चाहिए, ये मिसप्रिंट है। तो इसमें से तीन ऑप्शन कोई सही होगा, कोई एक ऑप्शन सही होगा, सही ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, फटाफट बोलो। ए आंसर सही है 3.6 × 10⁶ जूल, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक लगाया जाता है उसका प्रयोजन क्या होता है? ए करंट के प्रवाह को कम करना, करंट के प्रवाह को बढ़ाना, प्रतिरोधकता को कम करना, वोल्टेज को क्षणिक कम करना। क्या ऑप्शन सही होगा, बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, क्या आंसर सही होगा? सी प्रतिरोधकता को कम करना,
करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा, करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा, बहुत आगे जाएंगे आप लोग। 25 का, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, मतलब प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता मतलब किससे स्वतंत्र होता है, बोलो। ए ताप, बी दाब, सी तरंग दैर्घ्य और डी अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। करेक्ट आंसर बोलो 25 का, कौन सा आंसर सही होगा, बी दाब पर, दाब पर निर्भर नहीं करता है, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव होता है। अगर ताप बढ़ाया जाए तो चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता से मतलब है विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है ताप के बढ़ने पर, मतलब ताप चालक को गर्म किया जाए तो उसके उसके प्रतिरोध पर और उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा। तो ए वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है, बी वैद्युत प्रतिरोध घटता है जबकि वैद्युत चालकता बढ़ती है, सी वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता दोनों घटता है, डी वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता दोनों बढ़ता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो फटाफट बोलो, 26 का आंसर बोलो, 26 का आंसर क्या होगा, ए आंसर सही होगा, ए आंसर, वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और वैद्युत चालकता घटती है, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत आगे जाएंगे आप लोग। जो लोग वीडियो देखे हैं या देख रहे हैं वे लोग आंसर बता पा रहे, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो आंसर गलत उल्टा पुल्टा बोल रहे, गलत आंसर बोल रहे, वो आंसर बता ही नहीं पा रहे, जो लोग वीडियो देखे हैं वही आंसर सही से दे पा रहे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि ए इसका गलनांक अधिक होता है, यह सस्ता होता है, यह बहुत टिकाऊ होता है और डी इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा 27 का आंसर बोलो, कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा होता है, करंट का यूनिट क्या होता है, ए केल्विन, बी मोल, सी कैंडेला, डी एम्पियर, कौन सा आंसर सही होगा, ये सब लोग जानते हैं, इसका आंसर तो एक बच्चा भी बताएगा, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, एम्पियर। 29 पर आते हैं, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है। अगर दो विद्युत आवेशित वस्तु हैं, दोनों आवेशित वस्तु हैं और उनके और वे आपस में एक जुड़ी हुई हैं, वे आपस में एक तार से मतलब एक चालक से जुड़ी हुई हैं, तो उन दोनों के बीच में आवेश प्रवाह नहीं होता है, इसका क्या कारण है, समान आवेश पर, बी समान धारिता पर, सी समान प्रतिरोधकता पर और डी समान विभव पर। किस स्थिति में चालक से होकर के आवेश प्रवाहित नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 29 का आंसर बोलो, डी आंसर, समान विभव पर, अगर दोनों चालक समान विभव पर है तो दोनों चालक के बीच में आवेश का प्रवाह नहीं होता है, अगर दोनों चालक समान विभव पर है मतलब इक्विपोटेंशियल पर है तो दोनों पदार्थों के बीच में आवेश का प्रवाह नहीं होता है, समान विभव पर, करेक्ट आंसर है समान विभव। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, ए फिल्टर द्वारा, बी रेक्टिफायर द्वारा, सी मोटर द्वारा और डी ट्रांसफार्मर द्वारा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट बोलो यार फटाफट, तुम लोग सोचते बहुत है बेवकूफ कहकर, मोटर पर, मोटर गलत है आंसर, गलत आंसर बोल रहे, कौन सा आंसर सही होगा, फटा पागल पागल हो गए तुम लोग, कौन सा आंसर सही होगा, 30 का आंसर कौन सा सही होगा, बी रेक्टिफायर, हाँ सही है बी रेक्टिफायर होगा, करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, ए ओम, बी ओम मीटर, सी ओम प्रति मीटर,
डी ओम प्रति मीटर स्क्वायर, कौन सा आंसर सही होगा? डी रॉन्ग आंसर है, बी होगा ओम मीटर करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर ओम मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। एक चालक तार की लंबाई एल मीटर है, एक चालक तार की लंबाई एल मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L कर दी, मतलब चालक की लंबाई को दोगुना कर दिया गया, तो अब तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? यह इस तरह का प्रश्न अभी अभी अगले वाले प्रश्न में पूछा गया था। क्या हो जाएगा? ए पहले का दोगुना, बी पहले का चार गुना, सी पहले का चौथाई, और डी अपरिवर्तित रहेगा। क्या आंसर ऑप्शन सही होगा? बोलो फटाफट, बोलो फटाफट। 32 का आंसर ए आंसर होगा, दोगुना। हाँ करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर दोगुना हो जाएगा, लंबाई दोगुना कर दिया गया तो तार का प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघर्ज होता है, इलेक्ट्रोलाइट शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट का होता है, वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है? ए जिंक, बी गंधक अम्ल, सी अमोनियम क्लोराइड, डी मैंगनीज डाइऑक्साइड, कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट बोलो यार, फटाफट बोलो। 33 का आंसर बोलो, सी ऑप्शन अमोनियम क्लोराइड करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। ध्यान से 34 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, मतलब एक को दो से मिलाइए। सूची के नीचे कूट दिए गए हैं, उसका सही उत्तर का चयन करना है। सूची वन में ए रेड इलेक्ट्रोड है, बी धन इलेक्ट्रोड है, सी इलेक्ट्रोलाइट है, और डी विध्रुवक है, और सूची टू में कार्बन की छड़ है, वन नंबर टू है जिंक का छड़, सी है अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, और फोर्थ है मैंगनीज डाइऑक्साइड, कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसको किससे मिलाएंगे? ए को, बी को, सी को, या डी को, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? बोलो फटाफट बोलो। 34 का आंसर सी आंसर सही होगा, ए का टू, बी का वन, ए का टू का मतलब लीड इलेक्ट्रोड को जिंक का बर्तन से, बी का वन मतलब धन इलेक्ट्रोड से कार्बन की छड़ से। 34 का आंसर बोलो, सी आंसर सही होगा, और सी का थर्ड मतलब है इलेक्ट्रोलाइट का अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट से, और डी का फोर मतलब क्या? विध्रुवक का मैंगनीज डाइऑक्साइड से, करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है, ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड, डी आसुत जल, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 35 का आंसर बोलो, फटाफट बोलो। 35 का बी ऑप्शन सही होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, करेक्ट आंसर। सल्फ्यूरिक एसिड होता है बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? ए हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए, बी अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परपथ को तोड़ने के लिए, सी किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने के लिए, और डी इसमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलो फटाफट, 36 का आंसर बोलो, कौन सा आंसर सही होगा? 36 का बी आंसर, बी अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परपथ तोड़ने, करेक्ट आंसर, सही आंसर, बहुत अच्छा। आप लोग चिड़ियों की चहचहाट से मत घबराइएगा, यहाँ पर चिड़िया बहुत आती है, क्योंकि यहाँ पर गार्डन है और गार्डन पर चिड़िया आती रहती हैं और उनको मना नहीं किया जा सकता, इसलिए आप चिड़ियों की आवाज़ से, चिड़ियों की चहचहाट से मत घबराइएगा, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, केवल हम पर ध्यान दीजिएगा। आते क्वेश्चन नंबर 37 पर। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका ए प्रतिरोध कम होता है, बी गलनांक कम होता है, सी विशिष्ट घनत्व कम होता है, और डी
चालकता कम होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट बोलो फटाफट। 37 का बी ऑप्शन गलनांक कम होता है, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टीन और शीशा का एक मिश्र धातु होता है। विद्युत फ्यूज में जो इस्तेमाल किया जाता है जो पदार्थ, वह टीन और शीशा का एक मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु में ए उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, बी निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए, और सी विशिष्ट निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, डी उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन फटाफट बोलो फटाफट, क्या आंसर सही होगा 38 का, कौन सा आंसर सही होगा 38 का, सी निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, करेक्ट आंसर है, निम्न गलनांक होना चाहिए, बहुत अच्छा। अब आते क्वेश्चन नंबर 39 पर। बिजली सप्लाई में मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली सप्लाई में मेंस में फ्यूज के रूप में एक उपकरण लगा होता है। बिजली में फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है, ए यह मेंस स्विच के साथ समांतर क्रम में संयोजित होता है, बी यह मुख्यतः सिल्वर मिश्र धातुओं से बना होता है, सी इसका गलनांक निम्न होता है, डी इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट बोलो फटाफट, फटाफट बोलो फटाफट, फटाफट बोलो आंसर, बोलो फटाफट। 39 का आंसर, कौन सा आंसर सही होगा 39 का, सी गलनांक निम्न होता है। बहुत अच्छा, अभी भी अगला प्रश्न में ही था, ये अगला प्रश्न में यही प्रश्न था, गलनांक कम होता है, गलनांक निम्न होता है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। एक विद्युत सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, ए संचारण में विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए, बी वोल्टेज के असर को स्थिर रखने के लिए, सी सर्किट में प्रवाह होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, डी विद्युत तार को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलो फटाफट यार, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, कौन सा 40 का, सी सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। बहुत अच्छा आंसर है, करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा। 41 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित धातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है, ये बताना है, कौन सा विद्युत का मंद चालक नहीं है, ए सल्फर, बी सिलिनियम, सी ब्रोमीन, डी फास्फोरस। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 41 का, फटाफट, बी सिलिनियम, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा। 42 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पर। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग होता है, ए अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, बी सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, सी मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, डी अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। कौन सा विद्युत अपघट के रूप में प्रयोग होता है, शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट प्रयोग होता है, बोलो फटाफट फटाफट, बोलो फटाफट। ए का अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है, ए 220 केल्विन, बी 273 केल्विन, सी 6500 केल्विन, डी 9000 केल्विन। कौन सा ऑप्शन लिखा होता है, कौन सा सही बोलो, उत्तर बोलो सही, सी आंसर 6500 केल्विन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि होता है, ए 10 to power 2 ohm, बी 10 to power 4 ohm, सी 10 to power 6 ohm, डी 10 to power 8 ohm। कौन सा सही आंसर, कौन सा सही आंसर, मानव शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो किस कोट का होता है, मानव शरीर में भी विद्युत का चालन होता है, तो मानव शरीर भी विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है जिसको प्रतिरोध बोलते हैं, तो वो प्रतिरोध कितने कोट का होता है, कितने ऑर्डर का होता है, यही आंसर बोलना है 44 का। 44 का आंसर कौन सा आंसर सही होगा, सी 10 to power 6 ohm,
मतलब 10 लाख ओम, 10 लाख ओम, 10 लाख ओम मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का परिणाम की कोट होता है 10 लाख ओम। बहुत अच्छा, करेक्ट आंसर है भाई, करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? ए यूरेनियम, बी लोहा, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। कौन सा आंसर सही होगा? बोलो यार फटाफट, बोलो फटाफट, कौन सा आंसर सही होगा 45 का? ए यूरेनियम, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर, 1 वोल्ट के बराबर होता है ए 1 जूल, बी 1 जूल प्रति कूलम, सी 1 न्यूटन प्रति कूलम, डी 1 जूल प्रति न्यूटन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 46 का आंसर बी 1 जूल प्रति कूलम, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 47 पर आते हैं, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है? ए यह सिकुड़ता है, बी यह फैलता है, सी इसके आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, डी उपरोक्त में से कुछ नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फैलता है, सिकुड़ता है? 47 का आंसर बोलो, 47 का आंसर बी फैलता है, साबुन का बुलबुला आवेशित होने पर फैलता है, करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा, करेक्ट आंसर है। अब आते क्वेश्चन नंबर 48 पर, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम होता है ए उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित करना, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करना, सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा 48 का? बोलो 48 का आंसर डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा, करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा भाई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर, एक धारावाही चालक संबंधित है ए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत क्षेत्र से, सी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से, डी स्थिर विद्युत क्षेत्र से। कौन सा ऑप्शन सही होगा 49 का? सी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से, करेक्ट आंसर है। धारावाही चालक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित, क्योंकि धारावाही चालक में पहले विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने से वो चालक चुंबक बन जाता है, इसी बोलते हैं विद्युत चुंबक। आगे बोलते पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? ए एमीटर, बी पोटेंशियोमीटर, सी वोल्टमीटर और डी ओममीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा 50 का? डी ओममीटर, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।